हर स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है, पूरा देश प्रभावित। तो उसकी मेहनत उस तरह से होना चाहिए कि उसको देश को प्रभावित करना। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे आएगी। शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटी खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे। तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहते हम कहीं पे भी। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। एक 1,000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1,000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पे रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पे रहने लग गए। एक ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम पता जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1,000 करोड़ की कंपनी के बाद बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया, और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए, किराए पे रहने चले गए थे, यानी पैसे का सदुपयोग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो नाम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी, महाजिद्दी। इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। बाप का मृत शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली फिरोज शाह कोटला में दिल्ली और कर्नाटका रणजी मैच के बीच में रन बना रहा है क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको टट्टू फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, एक दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है, एक दिन के बाद, इन अ गैप ऑफ जस्ट वन डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो साला हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज थका हुआ हूं कल करूंगा। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोला है, लेकिन अपने ड्रीम्स, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर हुए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के क्रिकेट मैच में ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड आउट मारा, और ब्रेड हॉग नया खिलाड़ी था, लेग स्पिनर था, शेन वॉन की तरह गेंदबाजी करता था, और उसको लगा कि मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा काम कर लिया, कि मैंने दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज, जिसको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, उसको बोल्ड कर दिया। और मजे की बात तो यह, कहानी यहां रुकी नहीं, तेंदुलकर साहब अपना बल्ला लेके वापस पेविलियन लौट जाते हैं। मैच खत्म हुआ और ब्रेड हॉग इस तस्वीर के साथ वापस पहुंचते हैं। ये वो लाइव तस्वीर है जिसमें ब्रेड हॉग तेंदुलकर को बोल्ड मार देते हैं। देखिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और आपका पागलपन, जुनून, और आपकी बेइज्जती भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देती है। इस तस्वीर के साथ ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास जाते हैं शाम को मैच खत्म होने के बाद। सचिन सर, बिकॉज उसके लिए सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम था, उसने कहा सचिन सर मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, आप मुझे कुछ इस तस्वीर के ऊपर ऑटोग्राफ लिखते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है कि सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर पे ऑटोग्राफ में लिखते क्या हैं। सचिन तेंदुलकर इस तस्वीर में, इस ऑटोग्राफ पे लिखते हैं, ब्रेड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, जा मैं तुझे लिख। और ये लिखना तो आसान है, सोचो तेंदुलकर ने इसके बाद कितना प्रैक्टिस, और इसके बाद सचिन तेंदुलकर और ब्रेड हॉग 45 बार आमने सामने हुए, जब ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को गेंद करी, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे आईपीएल ही क्यों ना हो। लेकिन इस घटना के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर को फिर आउट नहीं कर सका पूरी जिंदगी में। ब्रेड हॉग का वो आखिरी विकेट था तेंदुलकर पे, लेकिन लिख दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखने के बाद जो प्रैक्टिस किया होगा नेट में जाकर, सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन,
जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। कम कम, व्हाट इज द क्वेश्चन? स्टार्ट। गुड इवनिंग सर। Good evening. Which class you are studying? I am studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard? Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why Bio? I am interested in biology and... Biology, or you want to become a doctor? My ambition is to become... I want to study more on aerospace engineering. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl. Okay. Yeah. Thank you, sir. So my question to you is, a journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is indeed a great achievement which no one can think of. You are giving a lecture now, what's the question? Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do 4 things, okay? Number one, repeat with me. Number one, you repeat. Number one, great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will do hard work. I will persevere. I'll persevere and succeed. And succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much.